156 फीट की भुजाओं वाला और 51 मीटर ऊंचा एक चौकोल है, जिसके ऊपर 144 फीट बाहरी व्यास वाला एक विशाल गुंबद है। लगभग 18,000 वर्ग फुट क्षेत्र वाला यह मकबरा विश्व का सबसे बड़ा सिंगल कक्ष और बिना किसी मध्य आधार या सपोर्ट वाला निर्माण है, जिसे बीजापुर की पहचान भी कहा जाता है। दोस्तों, हिस्ट्री, नॉलेज और फैक्ट से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। बीजापुर, कर्नाटक में स्थित यह भव्य मकबरा मोहम्मद आदिल शाह का अंतिम विश्राम स्थल है, जो 17वीं शताब्दी के दौरान बीजापुर के शासक थे। इस इमारत का निर्माण 1626 से शुरू होता है, जब सुल्तान सिंहासन पर चढ़ा था और अपने लिए एक प्रभावशाली मकबरे का निर्माण करना चाहता था। मगर किस्मत का खेल देखिए, जब 1656 में इस इमारत का निर्माण पूरा होने ही वाला था, तभी उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। गोल गुंबज नाम गोल गुंबद या गोल गुमता इस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ गोलाकार आकार में गुंबद ऐसा है। इस इमारत का सबसे मुख्य आकर्षण इसका विशाल गोलाकार गुंबद ही है, इसलिए इसे गोल गुंबज इस तरह से भी जाना जाता है। सुल्तान के अस्थि अवशेषों के अलावा मकबरे में उनकी दो पत्नियों ताज जहान बेगम और उस बेबी पोते बेटी और उनकी मालकिन रंबा इनकी भी अस्थियां है। डेकन इंडो इस्लामिक तरह की शैली के बेहतरीन उदाहरणों में गुंबज गिना जाता है। यह वास्तु डार्क ग्रे बेसॉल्ट नाम के ठोस पत्थर से बनी है। यह 51 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, जबकि विशाल गुंबद का बाहरी व्यास 44 मीटर है, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा गुंबद बनता है। चार गुंबददार मीनारे चारों तरफ से इस गुंबद को और भी आकर्षक बनाती है। ये चार टावर 7 मंजिल तक ऊंचे है और इसके अंदर एक सीढ़ी बनी है। एक जटिल नक्शेदार लकड़ी का छत मुख्य मकबरे के हॉल के अंदर मौजूद है। गुंबज का निर्माण इतना सटीक है कि पोडियम के बीच में स्थित सोनोटॉप स्लैब के नीचे जमीन में सुल्तान के वास्तविक मकबरे के स्थान को दर्शाता है। मकबरे का हॉल 18,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल चैम्बर स्थानों में एक बनाता है। गोल गुंबज की एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें एक फुसफुसा गैलरी है जो गुंबद के अंदर है। यहाँ की गई कोई भी आवाज़ कम से कम 7 या उससे भी अधिक बार गूंजती है। जब आप बातें करते हुए गैलरी के अंदर होते हैं, तो आप स्मारक की दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ों को भी सुन सकते हैं। कुछ लोगों के अनुसार पहले के वक्त में यहाँ करीब 11 बार आवाज़ घूमती थी। इस विशाल इमारत का और प्रभावशाली पहलू ये है कि यहाँ कोई भी मीनार या खंभे नहीं है, जो कि विशाल गुंबज को सपोर्ट प्रदान करते हैं, जो अपने आप में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। दूसरी ओर गुंबद अंदर से 8 छेदों के मेहराबों से बनाया गया है। यह माना जाता है कि गोल गुंबज का गुंबज पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। पहला सबसे बड़ा गुंबज रोम में सेंट पीटर की बेसिलिका का गुंबज है। मोहम्मद आदिल शाह ने अपने शासनकाल के दौरान इस विशाल इमारत का निर्माण किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनकी कब्र बेहतर हो। अपने पिता इब्राहिम रोजा के मकबरे की तुलना में इस स्मारक को कभी कभी दक्षिण भारत के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। जब आप इस इमारत में प्रवेश करते हैं, तो आप इस इमारत के मुख्य द्वार पर लटके हुए एक पत्थर को भी देख सकते हैं। इसे कॉलर्ड बिजली पत्थर भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो पत्थर बिजली को पकड़ता है। इस बारे में बहुत से धारणा और मिथ है, मगर यह वास्तव में एक उल्कापिंड का टुकड़ा है, जो कि सुल्तान के शासनकाल के दौरान पृथ्वी पर गिरा था। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर मकबरे को बिजली से बचाता है। गोल गुंबज भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। उत्तर कर्नाटक के बीजापुर में स्थित यह शानदार इमारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, जिसका व्यास 44 मीटर या 124 फीट है। गोल गुंबज भी दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचनाओं में से एक है और 18,225 वर्ग फीट या 1,693 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो रोम के पैथियन से काफी बड़ा है। रोम का पैथियन 14,996 वर्ग फीट या 133 वर्ग मीटर का है। गोल गुंबज कई कथाओं और मिथकों का विषय भी है।
इनमें एक पहलू है जिसे आमतौर पर स्थानीय और लाखों पर्यटकों के द्वारा अनदेखा किया जाता है जो स्मारक पर जाते हैं। इनमें से एक मिथ यह भी है कि मोहम्मद आदिल शाह ने पीछा किया और बिजली के एक बोल्ट को पकड़ा। मोहम्मद आदिल शाह का मानना था कि कन्नड़ में बिजली या सिद्धलू के बोल्ट उसे और उनके साम्राज्य में तरक्की लाएंगे और उसने गोल गुंबज के सामने चट्टान का टुकड़ा लटका दिया। बिजली के इस बोल्ट को आज भी कई इमारतों के दरवाजे पर लटका देखा जा सकता है। इसे रिंग की तरह तिपाई में बांधा और चेन से लटका दिया जाता है, क्योंकि बिजली के बोल्ट को केवल तभी देखा जा सकता है जब कोई बारीकी से देखता है। इसे आमतौर पर कई पर्यटकों द्वारा शाही यात्रा के लिए दिया जाता है जो स्मारक के चारों ओर चलते हैं। चट्टान की जांच करने वाले इतिहासकारों और पुरातत्ववादियों ने कहा है कि यह उल्कापिंड का टुकड़ा है जो कि बीजापुर की सीमा के अंदर गिर गया था। जब मोहम्मद आदिल शाह को आसमान से गिरने वाले टुकड़े के बारे में बताया गया तो उन्होंने मौके पर जाकर उसकी जांच की। उनके ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि चट्टान उन्हें और उनके साम्राज्य में भाग्य लाएगी। उन्होंने उसे यह भी बताया कि चट्टान उसके राज्य का विस्तार करने और बीजापुर की समृद्धि बढ़ाने में मदद करेगी। हालांकि उन्होंने इसे चेतावनी दी कि यदि सौभाग्य को जारी रखना है तो चट्टान को सावधानी पूर्वक सुरक्षित करना होगा। मोहम्मद आदिल शाह ने तब इस चट्टान को सौभाग्य के आकर्षण के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया और इसे गोल गुंबज के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया, जिसे बिजली का पत्थर कहा जाता था। गोल गुंबज के दक्षिणी द्वार या मुख्य द्वार के सामने बने कुंड पर लटका दिया गया। उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह ने बेंगलोर के कोम्पेगोड़ा और गिंजी के नायक को हराने में कामयाबी मिली, जिनसे उन्होंने भारी मात्रा में लूट और जब्ती की। वह डोडाप्लापुर शहर को भी बर्खास्त करने में कामयाब रहा। मोहम्मद को अहमदनगर साम्राज्य को समाप्त करने के लिए मुगलों के साथ मिलना पड़ा, मगर ये मेल बहुत सालों तक नहीं चला। आपसी मतभेद के चलते जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1686 में आदिलशाही साम्राज्य का सफाया किया, तब उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला बीजापुर जल्दी एक भूतहा शहर बन गया। आदिलशाही वंश के अंत के बाद उस उल्कापिंड पत्थर का महत्व भी लगभग भुला दिया गया। बहुत सालों तक ये विशाल इमारत गुमनाम ही रही। हालांकि हेनरी कुंसेस, जो 1854 और 1933 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने 1896 में पश्चिमी भारत में मुख्य पुरातत्व अधिकारी के रूप में कार्य किया था, उन्होंने ही गोल गुंबज को फिर से एक नई पहचान दी। कुछ लोगों का यह मानना है कि उल्कापिंड ही आदिलशाही साम्राज्य का सफाया होने का मुख्य कारण है। आज गोल गुंबज भारत के सबसे महत्वपूर्ण विरासत और स्मारकों में से एक है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाए रखा गया है। यह अपनी वर्तनी वास्तुकला और चमत्कारिक ध्वनिक विशेषताओं के कारण दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। दोस्तों, दुनिया और हमारे इंडिया में बहुत से ऐसी इमारतें हैं जिनकी कहानियां भी बहुत ही दिलचस्प है। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे फॉर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।